गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर समाकलन इंटीग्रेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, इनके नियम क्या है, फार्मूले क्या है और उस पर बेस्ड सवाल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं समाकलन क्या है, वो हम देखते हैं। समाकलन को अवकलन के व्युत्क्रम के रूप में देखते हैं। ठीक है, जैसे हम उदाहरण के तौर पर लिखें कि यदि हमको dy by dx equal to f dash दिया हुआ है, मान लो जैसे यहां पर दिया है dy by dx equal to fx, तो क्या होगा, fx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, y। ठीक है, इसके उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि यदि हमने sin x का अवकलन किया तो sin x का अवकलन कितना होगा, cos x। तो cos x का समाकलन क्या हो जाएगा, sin x। तो हम यहां देखते हैं कि जब sin x का अवकलन cos x है तो cos x का समाकलन sin x है। ये क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अवकलन समकलन का व्युत्क्रम होता है, समकलन अवकलन का व्युत्क्रम होता है, तो ये एक दूसरे व्युत्क्रम है। तो आप देखेंगे कि जो जब हम अवकलन कर रहे हैं तो जो मान आ रहा उसी का समकलन वही मान वापस आता है, दिख रहा है आपको। तो अब इसी बेस पर हम कुछ सब क्वेश्चंस करेंगे। ये समकलन के कुछ फार्मूले हैं, इनको और भी फार्मूले हैं, तो इसमें से कुछ खास जो है उनको नोट कर लीजिए और बाकी और भी जो फार्मूले होंगे आपको बुक्स में मिल जाएंगे, तो जब जरूरत पड़ेगी हम आपको बता देंगे। तो हम यहां देखते हैं कि यह कंपेयर दिया हुआ है कि अवकलन और समाकलन, हम यहां देखते हैं कि यह अवकलन, इसका अवकलन करते हैं तो एक्सएन आता है और एक्सएन का समाकलन करते हैं तो वही मान आता है जिसका हमने अवकलन किया था। इसी प्रकार एक्स का अवकलन वन होता है और वन का समाकलन वापस एक्स होता है। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स है, कॉस एक्स का समाकलन कॉस साइन एक्स है। तो ये इससे समझ में आता है कि अवकलन समाकलन का व्युत्क्रम है। तो ये सारे फार्मूले बच्चे नोट कर लें, इनकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब क्वेश्चन फार्मूले आपको लगभग याद हो जाएंगे प्रैक्टिस करने में। अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जब आप सवालों का यूज करेंगे तो आपको हैबिट में आ जाएगा कि इनका आंसर क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। क्लियर। अब हमको व्युत्क्रम निरीक्षण विधि द्वारा इनके हमको समाकलन ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन 2x, तो हमको इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो हम यह देखते हैं कि जब हम cos x cos 2x का अवकलन करते हैं तो कितना मान मिलेगा आपको, माइनस साइन 2x इंटू 2, यह मान मिलेगा। तो इसको हम इस देखते हैं कि हम साइन 2x इंटू dx इसका समाकलन करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस वन बाई टू, ये माइनस वन बाई टू आपका पक्षांतर हो जाएगा, यानी माइनस वन बाई टू को पक्षांतर किया तो इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉस टू एक्स इक्वल साइन टू एक्स। तो साइन टू एक्स का समाकलन कितना हो जाएगा, माइनस वन बाई टू कॉस टू एक्स। हमने इसका क्या किया, इसका व्युत्क्रम ले लिया तो हमको समाकलन मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार से cos 3x dx इसका समाकलन करेंगे तो हमको मिलेगा 1 by 3 sin 3x, ये आप करके देख लेंगे। ठीक है, और तथा ये आपका
थर्ड क्वेश्चन में हम देखते हैं कि E2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, यह होता है 2 इंटू e की पावर 2x। तो हम देखते हैं कि e की पावर 2x dx का समाकलन कितना हो जाएगा आपका 1/2 e की पावर 2x, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं। हमको इसमें x की स्क्वायर 1 - 1/x² dx इसकी वैल्यू को हमको ज्ञात करना है। तो थोड़ा इसको सिंपल कर ले, x² x² / x² इंटू dx। इसको सॉल्व करेंगे तो x² - 1 * dx। तो आपको हमने फार्मूला बताया था कि xn का इंटीग्रेशन कितना होता है x^(n+1)/(n+1)। तो यहां पर मान कितना हो जाएगा, x^(3)/3) और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो यहां 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट लेके चलते हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है ax² + bx + c * dx। तो इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो ax² (2+1)/(2+1), बी x^(1+1)/(1+1), प्लस सी, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, और प्लस एक कांस्टेंट रहेगा d जोड़ देंगे, तो यह वैल्यू आ जाएगी आपकी ax³/3, bx² / 2, cx + d। यह आपका आंसर हो गया। ओके, थैंक यू।